गुरुवार की शाम खुलापुरी गेट थाना अंतर्गत आने वाले खड़कारीपुरा स्थित हर्षल माता मंदिर के पास शाम 7:30 बजे के आसपास सुमित सुभाष जोशी शराब के नशे में धुत होकर पहुंचा, जहां पर उसका चचेरा भाई प्रतीक प्रवीण जोशी भी खड़ा हुआ था। शराब के नशे में चूर होकर सुमित ने किसी बात को लेकर अपने ही चचेरे भाई पर चाकू से सपासप कई वार कर दिए। चाकू के वार इतने गहरे थे कि खून से लहूलुहान अवस्था में ही प्रतीक जमीन पर गिर पड़ा। घटना को अंजाम देने के बाद सुमित वहां से फरार हो गया। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने तुरंत ही प्रवीण की मदद करते हुए उसे अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी जांच करने के पश्चात उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना की खबर मिलते ही पुलिस महकमे के आला अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। इन अधिकारियों में डीसीपी कल्पना बावरकर, एसीपी शिवाजी बचाटे, एसीपी भवर, क्राइम ब्रांच के पीआई गोरखनाथ जाधव, खुलापुरी गेट की पीआई पवार अपने दल के साथ पहुंची थी। सुमित ने आखिर किस बात को लेकर अपने ही चचेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया, ये राज अब तक जस के तस है। विदर्भ न्यूज के लिए शोएब खान की यह रिपोर्ट।